3 दिन का हो रहा है। कब से लगा था ये? लगा था ईद से लगा था। मैं सोच रहा था रेस कर रहा था गाड़ी से। अच्छा, उसको बच्चे आनंद लेते हुए। और ये ऐसा ताजमहल वाला कितने बजे चल रहा है? 10 का बस। हलवा पराठा, हलवा सूजी का हलवा होता है, मैदे का पराठा होता है। अच्छा, हलवा में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सी का, और काफी बड़ा मेला लग रहा है। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर महादेव, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर। तो आज का सीन ये है कि हमारे एक मित्र है ताहिर, तो उसने बताया कि भैया मेला लगा है फतेहपुर सीकरी पे, तो मैं और रोहित जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। कई मूवियों की शूटिंग हो चुकी है, जो चैनल पे है नए तो वो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो अभी हम जाएंगे सीधे और मंदिर, और मंदिर से रोहित को बैठाते हैं बाइक पे और निकलते हैं सीधे फुल। तो भाई साहब यहाँ पे हो गया तकड़ा वाला एक्सीडेंट, शीशे फूट गए। लड़की बैठी थी इसमें, इसकी वजह से आपस में चौराहे पे बैठ गई, पुलिस वालों ने हेल्प करी। और ऐसे टाइम पे मेरा कैमरा बंद रहता है हमेशा। तो अभी हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, और रोहित को बोल दिया मैंने कि चौराहे पे आ जा तू। ये आ गया रोहित। टाइम हो गया है 5:21 हो गए। लड़के जा रहे हैं, इनकी भिड़ी गाड़ी धड़ाक, शीशा फूट गया इसका। देख साइड का शीशा फूट रहा ना एक, ये इस लड़की देख रही है पैर पे, ये गिरी थी धड़ाक दे सीना, पुलिस वालों ने उठाई। ये शीशा टूट गया इनका। मैं सोच रहा था रेस कर रहा था गाड़ी से। अच्छा, हाँ मालूम है। तो 3 लड़के थे करौली में, 8 बंदे। अच्छा, तुम्हारा काम तो यहीं पे ना आसपास? कौन सा काम है बहने? अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ना? ठीक। तो लड़के मिल गए थे दो, जो मेरे को करौली मिले थे जब मैंने पदयात्रा स्टार्ट करी थी, तो बहुत तेज दौड़ा के ले गए थे सामने से। मैंने कहा यार कोई चल रहा होगा, क्यों रेस करें फालतू में। फिर उन्होंने हाथ दे के रुकवाई गाड़ी। ठीक, हाथ दे के रुकवाई गाड़ी। फिर बोले भैया पहचाना, करौली मिले थे। मैंने कहा अच्छा, करौली पदयात्रा मिले थे ये लड़के। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ये पड़ता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है। तो आगे ये देख रहे हो आप दोनों साइड में, ये राजस्थान की सीमा है, और थोड़ी देर आगे उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाएगी। तो यहाँ से हो जाती है अपनी आगरा दरवाज़ा से फतेहपुर सीकरी में एंट्री, और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सीधा रास्ता जाता है म्यूजियम के लिए, जोधा भाई महल, और इसका टिकट लगता है दीवाने आम, दीवाने खास, डाक बंगला। तो काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी साइड से आएंगे जब चलेंगे इधर साइड में, कभी कभी पुलिस वाले रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के आते हैं स्टंट वगैरह करते हैं, रील बनाते हैं, तो इस वजह से रोक लेते हैं। तो यहाँ से एक रास्ता छट जाता है खानवा के लिए, और अपन जाएंगे बुलंद दरवाजा सीधा जाएंगे। तो ये खानवा के लिए जा रहा है, और सीधा जाएगा बुलंद दरवाजा के लिए जोधा महल। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बुलंद दरवाजा टेंट को चिश्ती उर्स का मेला लग रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ है, उर्स का मेला लग रहा है। तो सामने देख सकते हो आप बुलंद दरवाजा, बहुत शानदार लग रहा है मेरे को, आपको भी लग रहा होगा। ये देखिए बस पहुँच चुके हैं बुलंद दरवाजा, और गाड़ी रख के और फिर निकलेंगे सीधे, और आपको दिखाएंगे। देखो नीचे मेला लग रहा है, ये लग रहा मेला, इधर मेला लग रहा है। अच्छा, यहाँ भी मेले के, वाह। तो यहाँ पे मेले की वजह से ये देखिए फतेहपुर सीकरी का मेला।
जी क्या बना रखे ना रोटा नहीं लगा दे कितने रुपये लेगो ले सामान ले हम तो वैसे ही ब्लॉग बनाने आए वैसे घूमने आए हम तो यहीं के हैं यार लोकल वैसे आए थे 20 रुपये दे देंगे 10 मिनट में आ रहे हम तो कर दिए गाड़ी और जूते उतार दिए और भैया मांग रहे 30 रुपये हमने 20 रुपये तय करके और बड़े बड़े रोटे टाइप में बने भाई साहब ये क्या चीज़ बने रोटी हलवा पराठा हलवा पराठा हलवा सूजी का हलवा होता है मैदे का पराठा होता है अच्छा हलवा सूजी का फेमस होता है मेले में रुकता है अच्छा तो बहुत बड़े बड़े देख सकते हो आप सूजी का पराठा और बुलंद दरवाजे सामने आपको उर्स का मेला लग जाए मिल जाएगा है रमजान के बाद लगता है ये और ये वो क्या चीज़ है वो वाले वो अजमेर वाला हलवा अजमेर बनता चक्की वाला हलवा अच्छा अजमेर चक्की हलवा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और चलते हैं ऊपर आपको दिखाते हैं मेला फतेहपुर सीकरी का तो यहाँ पे पान बनाए खिला रहे हैं फायर पान भी खिला रहे हैं तो ये अपना बुलंद दरवाजा देख लो पानी भाई तो काफ़ी बड़ा है बुलंद दरवाजा मैं कई बार आ चुका हूँ और ये बकरी हमेशा यहीं बैठी मिलती है मेरे को ये बकरी हमेशा यहीं मिलेगी तो कुछ अलग है आज आपको फतेहपुर सीकरी मिल जाएगा हो तो बहुत सामान है खाने पीने का चाट पकौड़ी ये देख सकते हो तो कुछ अंतर ही लग रहा है यहाँ पे पहले दुकान नहीं होती थी बहुत सारी आज दुकान है कैब की दुकान भी है कैब की दुकान कैब ले लो देखते कोई कैब पसंद आती तो इधर चलते हैं देख भाई साहब ताजमहल वाला कितने बजे चल रहा है 10 का बस ये वाला 10 रुपये का हाँ ले जा तू अच्छा है और ये बड़े वाला 50 रुपये का 50 रुपये मिल रहे और वो कांच में रखा है जो ताजमहल ऊपर वाला 200 नीचे वाला 250 सही है यार रेट तो बढ़िया है 200 250 पर्स है ये पर्स वगैरह सही है यार ताजमहल अच्छी मिल रही है तो अंदर देख सकते हो शानदार लग रहा है मिला अरे यार अरे बहुत तगड़ा मेला लग रहा है यार ये तो ये है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे का मेला ये देखो अरे यार हर माल 5 रुपये तो मेला काफी बड़ा है यार मैंने सोचा था छोटा ही होगा ये देखो कितना बड़ा तगड़ा मेला लग रहा है मिल रही है सोने की चलो चप्पल भी मिल रही है चलो खिलौने वगैरह ये भी काफी अच्छी लग रही है तो बहुत तगड़ा मिला है यहाँ पे ये अभी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का और काफी बड़ा मेला लग रहा है तो यहाँ से देख सकते हो काफ़ी बहुत शानदार लग रहा है और बहुत तगड़ी भीड़ है और वो है दरगाह यहाँ की फेमस तो शाम का वातावरण क्या अच्छा लग रहा है पर कचरा बहुत हो गया है पानी पी पी के थैलियाँ तो उधर उधर की साइड में दोनों साइड में दुकान मिल जाएंगी मिक्की माउस वगैरह अंदर बहुत शानदार लग रहा है मैं खड़ा हूँ अभी बुलंद दरवाजे के सामने जस्ट और बहुत विशाल मेला लग रहा है जो अंदर लग रहा है दरगाह के अंदर दरगाह के चारों तरफ तो बहुत बड़ा मेला लग रहा है फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ फतेहपुर सीकरी का जो मेला है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है बहुत शानदार मेला लग रहा है और फिर चारों तरफ जो दुकानें हैं वो जो बरामदे हैं इनके इनमें लग रही हैं जहाँ पे परदेश मूवी की शूटिंग हुई थी बहुत फिट मूवियों की शूटिंग हुई है यतीन मूवी की शूटिंग हुई है तो आपको दिखाते हैं एंट्री हमारी यहाँ से हुई थी यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और जो चारों तरफ दुकानें ऐसे दुकानें लगी हुई हैं और खाने पीने का सामान और पूरा चीज़ लगी हुई है और सामने है दरगाह फेमस दरगाह है तो आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे जो बजू करते हैं वो हाथ पाथ धो के पैर धो के जाते हैं यहाँ से पर्दे कुट के वजह से कितना पीक कर रखी है तो सामने है दरगाह तो चलते हैं अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं बड़े शौक से और ये भी एक दरवाज़ा है इधर की साइड में और शानदार नज़ारा लगता है बहुत अच्छी कारीगरी दिखती है आपको
बहुत मूवियों की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो ये देखिए, तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पर नाइट में लाइटिंग अच्छी होती होगी यहाँ पे। ये है दरगाह, सीधे चढ़ जाइए। तो ये दरगाह यहाँ की फतेहपुर सीकरी की। यहाँ की जो कब्र हैं वो आप देख सकते हो, फतेहपुर सीकरी पीछे बहुत सारी कब्र आपको दिखाई दे जाएंगी। इसमें भी अंदर भी कब्र हैं बहुत सारी। तो ये पूरा कब्रिस्तान है। तो अभी हम आ गए दूसरे गेट पे, जहाँ से जोधा महल के लिए जाता है रास्ता। और काफ़ी अच्छे यहाँ पे ताजमहल वगैरह रखे हैं, ये देखिए चश्मे वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दूसरा गेट, और यहाँ से जाते हैं जोधा महल के लिए, और वहाँ का लगता है टिकट 40 रुपये लगता है शायद। तो ये देख सकते हो फतेहपुर सीकरी काफ़ी बहुत बड़ा बड़ी है। और ये दूसरी साइड से एंट्री गेट है। बच्चों के खिलौने और लोहे के सामान मिल रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, देख सकते हो मस्ती कर रहे हैं। और ये पूरा फतेहपुर सीकरी अंदर का पूरा का मार्केट जो पूरा लगा हुआ है, उसका बच्चे आनंद लेते हुए। और ये कुछ बच्चे यहाँ पे झूल रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड में दुकान लगी हुई है। यहाँ पे मिक्की माउस, दो मिक्की माउस लगे हुए हैं। खाने पीने के सामान बहुत ज़्यादा है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ये है बुलंद दरवाज़ा का मेन गेट, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा मस्जिद। काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है यहाँ पे, चला जा। तो आप देख सकते हो चारों तरफ बरामदे में तो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। बहुत बड़ा मेला है यहाँ का फतेहपुर सीकरी का, साल में एक बार लगता है। आसपास के लोग काफ़ी आते हैं। अरे 10 मिनट में हमने पूरा मेला घूम लिया। और आपको ज़रूर, आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये फतेहपुर सीकरी का मेला। तो आपको और दिखाते हैं आगे। तो झूला दिखाई दे रहा होगा, तो जो कि नीचे लगा हुआ है, मिक्की माउस 2-3 नीचे लगे हुए हैं। और ये देख सकते हो रात में बहुत अच्छी लाइटिंग रहती है यहाँ पे। अंदर भी मेला लगा है, बाहर भी लगा है। अंदर ज़्यादा महंगी दुकानें हैं, किराया ज़्यादा है, इसलिए बाहर भी लगा रखा है। और ये पूरा देख सकते हो फतेहपुर सीकरी का व्यू। और आपको दिखाते हैं बुलंद दरवाज़ा। रात में लाइटिंग में बुलंद दरवाज़ा काफ़ी अच्छा लगेगा। और सामने दुकानों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है कुछ मेले का सीन। और नॉन कटाई यहाँ की फेमस है फतेहपुर सीकरी की। और हमारी बाइक खड़ी है, और पराठा बन रहा था बहुत बड़ा, लच्छेदार पराठा सूजी का। भाई साहब को पैसे देते हैं और फिर निकलते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत विशाल मेला लग रहा है। तो भैया जानते हैं, भैया हर साल लगता है मेला? हर साल लगता है। अच्छा, कब लगता है ये? रमजान के बाद लगता है ये? लगता है ईद के। अच्छा, ईद के? तो ईद पर लगता है। ईद अभी गई है? हाँ, ईद निकली है। अब कितने दिन तक चलेगा मेला ये? 3 दिन का हो रहा है। 3 दिन का हो रहा है। कब से लगा था ये? लगा था ईद से लगा था, 29वां रमजान। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो फतेहपुर सीकरी का मेला बहुत शानदार लग रहा है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे, आगरा से आ रहे हो तो फतेहपुर सीकरी, और भरतपुर से भी आ रहे हो तो फतेहपुर सीकरी मेले का लुत्फ ले सकते हो। चलो तो निकलते हैं फिर यहाँ से। और पूछ ले कितने को दिया है भैया, का चीज़ को है? ये मैदा का।
यार चेक कराओ ना, उसको भी चेक करो भाई, यही के संग खाना पड़ेगा शाम में, दोनों साथ में ही हैं। नॉन खटाई फेमस है यहाँ की फतेहपुर चिकली भैया फूड ब्लॉगर ना है, हम तो भाई टेस्ट करके देख रहे ये सोच रहे फूड ब्लॉगर है का, तो झूला चल रहे खाली। तो काफ़ी अच्छा है फतेहपुर चिकली का मेला बुलंद दरवाजे का, अच्छा लगा आके यहाँ पे। तो निकलते हैं यहाँ से, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे फतेहपुर चिकली, कई बार आ चुका हूँ पर मेला नहीं देखा था मैंने। तो ताहिर ने बोला था भैया बहुत अच्छा मेला लगा है आप जाना ज़रूर, तो मैं ठीक है ज़रूर जाएंगे। तो मैंने ताहिर से बोला था भाई तू चल रहा है वगैरह, भैया मैं नहीं जा पाऊँगा शाम को, मैं दो दिन पहले ही मेला देख के आ चुका हूँ। मैंने ठीक है, तो मैं और रोहित आए थे और काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर, मज़ा आया। एक बड़ी रोटी मिल रही थी, खा के देखी, टेस्ट करके देखी हलवे के साथ, पर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जो खाते हैं वगैरह यहाँ पे जो खाते हैं उनको लिए अच्छा लगता है। तो निकलते हैं सीधे घर के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे तो आ चुके हैं फतेहपुर चिकली का मेला देख के, बहुत शानदार मेला था 2023 और ईद के बाद लगता है, और अभी 3 दिन और लगेगा। तो मेरे पीछे है पूरा रास्ता और अभी हम निकलने वाले हैं भरतपुर के लिए, देख सकते हैं आगरा दरवाज़ा। तो यहाँ से भरतपुर बैठेगा 25 किलोमीटर, हमें 8 घंटा लग जाएगा। अगर दूसरी साइड में जाएंगे आप तो टिकट लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।